एवरीवन, अगर आप पॉलीप्ले में खुद से ज्वाइन होना चाहते हो, आपको किसी को आईडी प्रूफ नहीं देना है, आप चाहते हो कि मैं खुद ही अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लूँ और रजिस्टर कर लूँ, सो बहुत सिंपल है ये, बट आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, जो जिससे भी आपने बात करा हो उनसे आप लिंक मांग सकते हो एंड उस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली बहुत ही आसान तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिससे भी आपने बात करा हो, जिससे भी आप बात कर रहे होंगे, वो आपको ऐसा कुछ एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक पे आपको सिंपली टैप करना है और वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, एंड दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज जहाँ पे आप अपनी डिटेल फिलअप कर सकते हो, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर आईडी प्रूफ, ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ भी अगेन आपकी आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, देन KYC एड्रेस मतलब होता है जो आईडी प्रूफ में आपका जो एड्रेस है एग्जैक्ट वही एड्रेस, ठीक है, बाद में आप भले शॉपिंग करते वक्त चेंज कर सकते हो। तो मैंने आईडी प्रूफ में जो एड्रेस था वही यहाँ पे अपलोड कर दिया है, लोकेलिटी एरिया में आप उस लिंक पर डाल दो या फिर आपके आसपास का जो भी एरिया हो, एंड एड्रेस यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद स्पॉन्सर नंबर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आईडी प्रूफ में मेरा आधार नंबर डाल रही हूँ मैं, तो मैंने आधार नंबर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड नीचे आधार नंबर डाल दिया मैंने। अब सिलेक्ट फाइल पर जाके आपको आधार कार्ड की पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मैं अपने फ़ोन से व्हाट्सएप इमेजेस में है मेरे पास है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर देती हूँ, ओके, एंड इट्स डन। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो भी आपको याद रहे आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद साइनअप पे क्लिक करो, सब कुछ हो गया है, कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं अवेलेब करनी है। साइनअप पे जैसे आप क्लिक करोगे एक बार ये कन्फर्मेशन पेज आता है, कन्फर्म करो और क्लिक करो ओके पे, एंड दिस इज द रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया। उसके बाद ये ऐसा लिंक आएगा आपके पास और उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज माई कंसल्टिंग नंबर, एक्टिवेशन कोड मेरे मैसेज में आया हुआ था, जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको एक्सेप्ट करना है। ये बीच में बॉक्स बना हुआ है, इसको स्क्रोल करना है आपको पूरा जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा आई एक्सेप्ट बटन आपका हाईलाइट हो जाएगा, जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है, एंड दिस इज डन। आई एक्सेप्ट पे आप क्लिक करो एंड बस, बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन करना अपने आप को या रजिस्टर करना अपने आप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।